भारतीय जनगणना अगर कराई जाती है, सरकार कराती है तभी ठीक है, नहीं तो 100 में 90 सोची शायद 90 भाग हमारा है। तो हम लोगों का मांग होना चाहिए कि संपूर्ण आरक्षण हमको मिले। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में आपका प्रतिनिधित्व नहीं है, व्यवस्था ऐसी है जिसके वजह से हम लोगों का प्रतिनिधित्व वहाँ नहीं बढ़ रहा है, इसलिए व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है। एक ही धर्म पूरे विश्व में है, वह मानव धर्म है। संविधान ही हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है, इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। मैं भी एक रिटायर्ड जिला सत्र न्यायाधीश हूँ, पटना से रिटायर किया हूँ और बिहार से मैं आया हूँ, किंतु मैं रिटायर जरूर किया हूँ, टायर्ड नहीं हूँ, मैं थका नहीं हूँ। अभी डॉक्टर के जो रेजर है, कैंची जो है रेजर है, उससे ज्यादा तेज जज साहब का कलम होता है। तो जब जज साहब भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं सोहा में और उसका संबोधन कर रहे हैं, उद्घाटन किए हैं, तो हमको आशा है कि जिस मुकाम के लिए हम लोग जुटे हैं उस मुकाम पर अगर हम लोग तत्परता से और पूरा साहस के साथ आगे बढ़ेंगे तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों तरह का न्याय हम प्राप्त करेंगे। जहां तक जातीय जनगणना की बात है, जातीय जनगणना अगर कराई जाती है, सरकार कराती है तभी ठीक है, नहीं तो जाति गणना 1931 में किया हुआ है, उसके बाद बीपी मंडल साहब पूरे हिंदुस्तान का दौरा करके पूरे जातियों का सर्वे किए हैं और सर्वे के अनुसार जितनी भी जातियां हैं जातियों का विवरण उन्होंने लिखा है अपने रिपोर्ट में और उनकी जनसंख्या भी अंकित है। करीब करीब 52% ओबीसी हैं जिसमें माइनॉरिटी और एसटी का जनसंख्या घटा दिया जाए उसमें सम्मिलित नहीं है। पूरे अगर ओबीसी एसटी और माइनॉरिटी की जनसंख्या अगर मिला दिया जाए तो पूरे हिंदुस्तान में हमारी जनसंख्या 90% है, जिसका स्लोगन शहीद जगदेव प्रसाद भारत लेलिन ने दिया था बिहार में, 100 में 90 सोची शायद 90 भाग हमारा है। और उन्हीं के कदमों पर आगे चलकर बीपी मंडल साहब का कमीशन बना जिसके आधार पर ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिला है, आरक्षण जो मिला है उसका भी अभी पूरा लाभ हम लोग को नहीं मिला है, अभी केवल 14%, 27% में 14% ही हमारा अभी पूरा हुआ है सभी सेवाओं में, अभी भी 13% हमारा बाकी है। और अब जब 10% EWS को दिया गया है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड इकोनॉमिकली पिछड़ा जो है वीकर सेक्शन जो है उनको दिया गया है, तो अब जो कैप था 50% का वह कैप भी खत्म हो गया, अब 60% चला गया है। तो हम लोगों का मांग होना चाहिए कि संपूर्ण आरक्षण हमको मिले, हमारा जो प्रतिनिधित्व जो है हर जगह, वह विधायिका हो, राज्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या मीडिया हो, हर जगह हमारा जो प्रतिनिधित्व है जो हमारी जनसंख्या के अनुसार होना चाहिए और इसकी लड़ाई हमको लड़ना चाहिए। दूसरा मुद्दा जो है उच्च न्यायालय में, तो उच्च न्यायालयों में और हाईकोर्ट से एवं सुप्रीम कोर्ट तक अभी आपको हम बता दें कि अभी जो हाल में एक रिपोर्ट छपा था अखबार में उसके अनुसार 10% ही ओबीसी और माइनॉरिटी सब मिला करके एसटी वगैरह सब मिला के जजेज हैं उसका केवल 10% ही हम लोग हैं, उसमें ओबीसी और एसटी और माइनॉरिटी सभी सम्मिलित हैं, इसलिए इसमें भी जनसंख्या इसमें भी हमारा जो प्रतिनिधित्व है बहुत कम है। अब कैसे होना चाहिए इस पर किसी भी वक्ता का इस पर विचार नहीं आया है, क्योंकि अब इसके संबंध में क्यों नहीं हो रहा है, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसको स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बिंदु पर बोलने का हम लोग को उतनी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि कानून का मंथन है, किंतु इसको मनन करने की बात है कि जनसंख्या के अनुसार अभी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में आपका प्रतिनिधित्व नहीं है। जहाँ तक निचली न्यायालय में जो जिला न्यायालय जिसको कहते हैं, जिसमें
सिविल जज जूनियर डिवीजन से लेकर के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तक के पदाधिकारी रहते हैं, न्यायाधीश रहते हैं, वहाँ भी ओबीसी एसटी और माइनॉरिटी का जो प्रतिनिधित्व है केवल 14-15% है। वहाँ भी हमारी जो प्रतिनिधित्व है वह जनसंख्या के अनुसार बहुत कम है। ऐसी बात नहीं है कि हमारे समाज में न्यायाधीश होने लायक लोग नहीं है, योग्यता नहीं है, किंतु व्यवस्था ऐसी है जिसके वजह से हम लोगों का प्रतिनिधित्व वहाँ नहीं बढ़ रहा है। इसलिए व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है और सरकार जब मजबूत होगा, जब सरकार 90% लोगों का सरकार सही ढंग में जब आ जाएगा तब आपका प्रतिनिधित्व हर जगह बढ़ेगा और तभी आपको सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय मिल सकेगा। जहाँ तक जातीय व्यवस्था की बात है, हम लोग किसी जाति या धर्म में विश्वास नहीं करते हैं। पूरा हमारा संविधान जो है मानव धर्म के ऊपर निर्धारित है। एक ही धर्म पूरे विश्व में है, वह मानव धर्म है और इसको बुद्ध ने प्रतिपादित किया था और उसी बुद्ध के सिद्धांत को बाबा साहब ने हमारे संविधान में लाया है और संविधान ही हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है। इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। अगर आप दिग्भ्रमित होते हैं तो आप संविधान को देखिए, संविधान आपको ध्रुवता रहा है, वो आपको भ्रमित होने से बचावेगा और सही रास्ता पर ले जाएगा।